नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी डिजिटल के न्यूज बुलेटिन में। रूबरू कराएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से। सबसे पहले आज के दिन में क्या होगा खास। आज गुजरात के प्रमुख सहकारी संस्थानों की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। अब रुख करते हैं आज की मुख्य खबरों का। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल की किताबों में राष्ट्रगान में से गायब मिला उत्कल बंग। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, का बंगाल की हार का बदला ले रही बीजेपी। दरअसल यूपी के कौशाम्बी में पांचवी क्लास की 2.5 लाख सरकारी किताबों में से उत्कल बंग गायब था। इस मामले पर शिक्षा अधिकारी ने इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बताई, लेकिन राष्ट्रगान में ऐसा होने पर इसकी जांच जरूर होगी। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में घिरे। जीसस क्राइस्ट को लेकर किया सवाल, बीजेपी ने कहा भारत छोड़ो नहीं नफरत जोड़ो अभियान। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कैथोलिक पादरियों से मिले थे, उनसे जीसस क्राइस्ट को लेकर सवाल किया। इस पर तमिल पादरी जॉर्ज पोनिया ने कहा ईसा मसीह ही असली भगवान है। वहीं इस बैठक का वीडियो वायरल हो गया। आइए रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। कोलकाता में ईडी की रेड, गेमिंग ऐप कंपनी से 17 करोड़ कैश बरामद। शनिवार को ईडी ने ई नगेट्स नाम की मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इसके प्रमोटर आमिर खान और अन्य के ठिकानों पर भी रेड की गई। ईडी ने बताया कंपनी लोगों को कमीशन का लालच देकर फंसाती थी और लोग कमीशन के लिए बड़ी रकम लगाने लगे। जब लोगों से बड़ी रकम कंपनी को मिल गई तो इस ऐप से पैसों की निकासी अचानक रोक दी गई। आइए रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। दिल्ली नगर निगम में सीटों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित। केंद्र सरकार ने शनिवार को लिया फैसला। पहले एमसीडी में कुल सीटों की संख्या 272 थी। नए परिसीमन के बाद इसमें 22 सीटें कम हो गई। अब 250 सीटों में से 42 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की है। रुक करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर। ब्रिटेन को मिले नए सम्राट। 73 साल के किंग चार्ल्स 3 ने संभाली राजगद्दी। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद प्रिंस चार्ल्स आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए। वहीं महारानी की अंतिम यात्रा आज शुरू होगी। उनका अंतिम संस्कार सोमवार 19 सितंबर को होगा। ऐसी तेज तर्रार खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी डिजिटल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।